हे गाइस, आज सीखने वाले हैं आप लोग पेनलेस बैक्सिंग। आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट के हाथों पे कितने सारे हेयर हैं, और इतना सारा हेयर देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए रेडी हो जाइए ओरिजिनल साउंड के साथ पेनलेस बैक्सिंग देखने के लिए। और बालों का डायरेक्शन जो है इस साइड से है, इस साइड से है डायरेक्शन ये, और ये ऊपर से सीधा है, ठीक है। तो हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो पहले हम सीधे वाले में लगाते हैं, ये सीधे हैं तो ऊपर से नीचे जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हम लगाएंगे। उसके बाद हम स्किन को इस तरह से स्ट्रेच करके नीचे की तरफ खींचेंगे, और ये बाल वन टाइम में। और फिर अब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अब ये डायरेक्शन सीधा था तो हमने सीधा निकाला, और ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो हम इसी तरह से लगाएंगे। ये लगाया, थोड़ा चौड़ा और लगाऊंगी जितना चौड़ा हमारा स्ट्रिप रहता है। ये अब एक बार हम स्ट्रिप यूज कर चुके हैं, वही सेम स्ट्रिप को हम चिपकाएंगे। अच्छा से दिखा शिवम, फूटेगा तो मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे नीचे से, हाथ से पकड़ के स्किन को स्ट्रेच करेंगे हम इस तरह से। और ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये फट भी गया है, कोई बात नहीं, इसी के ऊपर चिपकाएंगे हम। ये दिखा, तो ये है तरीका वैक्स करने का। जिसके हैवी हेयर है उसके साथ बहुत इजी होता है वैक्स करना, बट लोग डरते हैं कि बहुत ज्यादा है। तो अब ये हेयर भी थोड़ा थोड़ा इधर है बट काफ़ी सॉफ्ट हेयर है, तो मैं थोड़ा सीधा भी इसको कर सकती हूँ और ये सीधे में भी निकल जाएगा। ये थोड़ा निकल के आया, देखो कितना अच्छा हो गया ना। अब बचा ये वाला, ये वाली जगह जो है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट जम जाता है। ये वाली जगह बहुत सेंसिटिव होती है। अब हम ये वाला एरिया के लिए हाथ को इस तरह से करेंगे। ये दिखाओ, वैक्स लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वैक्स जितना एक्स्ट्रा वैक्स है वो पूरा टपक जाए, जो हमारा स्पैचुला है उसके ऊपर वैक्स एक्स्ट्रा ना रहे। इस तरह से पूरे वैक्स को आपको डब्बे में मतलब गिरा लेना है। लगभग ये हो चुका है, उसके बाद ये अब ये हमारे हाथ को जलाएगा नहीं। देखो मेरी बहन ने एक दिन जैसे इसमें गरम करते है ना कढ़ाई वड़ाई में, उसमें गरम करके लगाया, वो भाई पूरा जल गया, बूंद पड़ गई थी ना इसकी। सेम स्ट्रिप को हम चिपकाएंगे। ये वाले बालों के डायरेक्शन इस साइड से है और ये कुछ ऊपर के साइड है, तो जैसा डायरेक्शन हम उसी तरह से वैक्स लगाएंगे। तो ये डायरेक्शन कुछ इस साइड से है तो हम इसी साइड से बाल इस साइड को लेके मतलब सॉरी वैक्स इधर लेके आएंगे हम। जब भी वैक्स लगाए एक बार फूंक मारना बहुत जरूरी है। एक नया स्ट्रिप हमने ऐसे लगाया है इस तरह से, और निकालेंगे इस तरह से। ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ही वैक्स लगाएंगे। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऊपर से नीचे को वैक्स लगाते हुए आते हैं, बट
जिस तरफ से डायरेक्शन हो उधर से ही लगाना होता है, ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता। आपको डायरेक्शन देखना होता है कि हमें लगाना किस साइड से है। तो ये ऊपर की तरफ लगाए और नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे से स्ट्रेच करेंगे स्किन को इस तरह से, और ये बाल निकल के आ गया क्लीन। फिर हम ये ऊपर की तरफ चिपकाएंगे, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे और ये। वैक्स के अंदर आप स्पैचुला को डाल के ना रखें, नहीं तो स्पैचुला जो हमारा नाइफ है वो गर्म हो जाएगा, तो इससे स्किन जल सकती है। एक्स्ट्रा वैक्स को आप वैक्स हीटर में ही डाल दें और जो सिर्फ नाइफ पे लगा रहे उसी को स्किन पे लगाएं। तो गाइस, अगर आप डायरेक्शन का ध्यान देते हुए वैक्स करते हो तो आपका वैक्स जो है बिल्कुल पेनलेस होता है। और आप यहाँ मेरे क्लाइंट को देख सकते हो, मैंने ओरिजिनल साउंड डाला है, उनके मुंह से उफ तक आवाज़ नहीं आई कि मुझे पेन हो रहा है। तो डायरेक्शन का अगर ध्यान देते हैं तो आपका वैक्सिंग जो है पेनलेस होता है। तो गाइस, कुछ कन्फ्यूजन है, अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और गाइस, अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी स्किन कोल्ड वैक्स मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा वैक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।